यहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग कटरा से अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर में हमने HK क्लार्कसन होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल को गए। आज हमारे ट्रिप का डे 7 चल रहा है। आज अमृतसर में है और अमृतसर से निकल के हम अगेन न्यू डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। उससे पहले चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ये देखो, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट प्लेट ठीक ठाक था, खाना थोड़ा टेस्टी होना जरूरी था, बट ठीक है, जर्नी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, वी नीड टू एडजस्ट। से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब पैक हो गया है, सब गाड़ी में जाए गए, सब सामान गया है और अब हम निकल रहे हैं बीकानेर के लिए। तो चलो चलते हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? आज मेरे अज्जी का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कुआजी। थैंक यू। अमृतसर से हम लोग जा रहे हैं बीकानेर, बट बीकानेर में जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं देशनोक, जो 30 किलोमीटर अवे है बीकानेर से, जहाँ पे है टेम्पल ऑफ रैट्स। बेसिकली ये करनी माता का टेम्पल है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अमृतसर से देशनोक जाना है, जो बीकानेर से 30 किलोमीटर अवे है। सो ये जाने के लिए हम लोगों ने रास्ता लिया अमृतसर, तरन तारण, देन भटिंडा। भटिंडा से होके बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग राजस्थान में आ गए। राजस्थान में सूरतगढ़, लूणकरण सर, उसके बाद बीकानेर, एंड बीकानेर से देशनोक। देशनोक ये बीकानेर से 30 किलोमीटर अवे है। ये प्रोबेबली 566 किलोमीटर का डिस्टेंस गूगल बता रहा था कि हम लोग 10 hours and 30 minutes में अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर देंगे। तो फिर चलो चलते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितना टाइम लगने वाला है। हम लोग चेकआउट करके HK क्लार्कसन होटल से निकल गए। सो हम लोगों का तो पेट फुल था, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ था, अभी टाइम था गाड़ी का पेट फुल करने का। हम लोगों ने स्कॉर्पियो का टैंक अमृतसर सिटी में ही फुल करवाया। हम लोगों को जो डीजल का रेट यहाँ पे मिला 84.42, वो बहुत ही अच्छा होने वाला था, बिकॉज़ मैंने पढ़ा था राजस्थान में डीजल एंड पेट्रोल बहुत ही महंगा है। जैसे हम लोगों ने मॉल ऑफ अमृतसर क्रॉस किया, हम लोगों के सामने एक गेट आया। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल गेट जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी भी भटिंडा यहाँ से 121 किलोमीटर है, बट आप देख सकते हो रास्ता 4 lane है एंड वेरी गुड रोड। अमृतसर से बीकानेर जाने वाले रास्ते में बहुत सारे ट्रेन के क्रॉसिंग लगने वाले हैं। सो ये है हमारा पहला क्रॉसिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है, बट महिंद्रा है, साइड साइड से निकाल रहे हैं। देखते आगे जाके कहाँ रुकने के लिए जगह मिलती है। रेलवे लाइन की पटरियाँ क्रॉस करके हम लोग आगे आ गए और दूसरी साइड पे भी देखो कितना जाम लगा हुआ है। ट्रकों की लाइन लगी हुई है, दो दो ट्रक इकट्ठा दो दो लाइन बना के खड़े हुए हैं। बाप रे बाप, कितनी है ट्रैफिक, मतलब पुण्याची आठवण आली। थोड़ी ही देर बाद राइट हैंड साइड पे हमें थर्मल पावर प्लांट के 4 यूनिट दिखाई देने स्टार्ट हो गए। ये पावर प्लांट जो भटिंडा से पहले पड़ता है, जिसका नाम है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट। बेसिकली इसकी कैपेसिटी कुछ 440 मेगावाट थी। ये थर्मल पावर प्लांट 50 ईयर्स तक चला, उसके बाद इसको फॉरएवर बंद किया गया सितंबर
2017 में। अभी ये बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है। भटिंडा सिटी में एंटर होने के बाद हम लोगों को बहुत ही ट्रैफिक लगा, हम गंदी तरीके से ट्रैफिक में फंस गए। भटिंडा क्रॉस करते करते हम लोगों के पेट में चूहे दौड़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने सोचा हम पंजाब में हैं, अच्छे ढाबे मिलेंगे, ढाबे का खाना खाएंगे। ढाबे का खाना इज़ वेरी गुड फूड इन पंजाब एंड एवरीवेयर ऑल्सो। आज के ब्लॉग की शुरुआत विप्रा ने की। विप्रा ने बताया हम लोगों ने क्लार्क इन में क्या खाया, हम लोगों का ब्रेकफास्ट कैसे हुआ। उधर से हम लोग 11 बजे निकल पड़े टूवर्ड्स बीकानेर। अभी हम लोगों ने भटिंडा क्रॉस किया है, अभी बज रहे हैं 2। सो हम लोग ब्रेक कुछ खाने के लिए रुके हैं इस रोड पे। एक्चुअली भटिंडा क्रॉस करने के बाद ऐसे होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, जो ढाबा मिल रहे थे वहाँ पे एक ढाबा मिला है। ढाबे का नाम है समीर वैष्णव फैमिली ढाबा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग वहाँ पे क्या खाएंगे, चेक करते हैं। आ जाओ यहाँ पे यार स्कॉर्पियो। तो ये है समीर वैष्णव फैमिली ढाबा। ढाबे में देखते हैं अभी क्या मिलता है। ढाबे का खाना का एक्सपीरियंस वाह वाह। ढाबे अच्छे असतात। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन की खेती, कॉटन च फील्ड आहे। ये देख सकते हो कॉटन फुला हुआ। और ये मैं देने वाली हूँ विप्रा को। विप्रा वी आर हैविंग सरसों का साग, रोटी एंड दाल, प्योर ढाबे का खाना। खाना खा के हम लोग निकल पड़े और इमिडिएटली हम लोग एंटर हो गए हरियाणा। एक छोटा सा पैच आता है, उसके बाद हम लोग एंटर होने वाले हैं राजस्थान। अभी हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। रास्ते के बारे में बताया जाए तो अमृतसर से निकल के भटिंडा तक रोड बहुत ही अच्छी है, 4 लेन वेरी गुड रोड। बट भटिंडा से आगे रोड सिंगल लेन हो जाती है, बट रोड क्वालिटी इज एब्सोल्युटली गुड। जैसे हम राजस्थान में एंटर कर गए तो सडनली नज़ारे ही चेंज हो गए। आपने पंजाब में देखा हर जगह पे खेती थी, खेती फूली फली थी, एवरीवेयर देयर वॉज अ ग्रीनरी एंड लगता था कि हम लोग पंजाब में हैं। बट जैसे ही राजस्थान में आते हैं तो थॉर्नी बुशेस या ट्रीज देखने स्टार्ट हो जाते हैं। बट दिस एरिया में कल्टीवेशन होता है सो प्रॉपर बैरन लैंड नहीं है। बट नज़ारों का चेंज एनीबडी कैन नोटिस क्विकली। सो भटिंडा के बाद सिंगल लेन स्टार्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर का जो पैच है वहाँ पे बीच बीच में पॉट होल्स आ जाते हैं, उसके कारण स्पीड भी कम हो जाती है। एंड उसके बाद सिंगल लेन रोड होने के बाद भी रोड की विड्थ काफ़ी अच्छी है और चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड आर गुड। हम लोग हरियाणा में एंटर किए जाते हैं, वहाँ पे भी रोड अच्छे हैं। वो हरियाणा का पैच बहुत छोटा है। बाद में फिर से हम लोग राजस्थान में एंटर करते हैं। राजस्थान के रोड तो अच्छे ही हैं, कोई नो डाउट, बट रोड बेसिकली सिंगल लाइन ही है। अमृतसर से निकलने के बाद हम लोगों को लगा भटिंडा, उसके बाद ये बड़ा वाला टाउन है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में आपका स्वागत है। मतलब It is 220 kilometers. Hey guys, look at this. This is the first view of camel cart after entering in Rajasthan. अभी तक हम लोग रास्ते की तारीफ कर रहे थे और हनुमानगंज के आगे आप देख सकते हो क्या हुआ हमारे साथ, रास्ता खराब। राजस्थान का टोल रोड आ चुका है। होप्स अभी रास्ते अच्छे मिलेंगे। वो पैच काफी छोटा था। कंधा वाला पैच खत्म हो गया, वो काफी छोटा था, मैनेजेबल था। अभी बज रहे हैं शाम के 5, आप इवनिंग का व्यू देख सकते हो, सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में।
हम लोग हमारे डेस्टिनेशन से यानी करनी माता टेम्पल एट बीकानेर से 220 किलोमीटर दूर है। हम लोग एक ट्रेन क्रॉसिंग के लिए रुक गए है, तो इस रूट में अप्रोक्सीमेट 10 रेलवे ट्रेन क्रॉसिंग जाते है। Now it's time to go. चलो चलते हैं। चलो 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 अरे प्यार करो। चलो 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 let's go let's go let's go। पंजाब हरियाणा राजस्थान के अभी तक के सब टोल बंद है किसान आंदोलन की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पे किसान लोग बैठे हुए हैं। बीकानेर 173 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोगों का डेस्टिनेशन अभी 216 किलोमीटर है और एक रेलवे क्रॉसिंग विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस। सूरजगढ़ टाउन से हम लोगों ने बाईपास ले लिया है, बट फिर भी एक रेलवे क्रॉसिंग के लिए अटक गए हैं। आप देख सकते हो ट्रेन इज क्रॉसिंग। अभी बज रहे शाम के 5:25 और आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है कि सनसेट तो कब का हो चुका है, ऐसे लग रहा है कि 7 बजने को आया हुआ है। एंड से डस्ट सी डस्टी एज वेल एज फॉगी। आज के दिन का पहला टोल जो हम पे करने वाले हैं। पंजाब में बेसिकली आपने देखा वहाँ पे टोल्स नहीं चल रहे थे, दोस टोल्स वेर क्लोज्ड। हम लोग देशनोक पहुंच चुके हैं। ये 8:30 अभी 8:30 हुआ है। सो वहाँ पे टेम्पल है। मीटर्स टर्न राइट। तो ये हम लोग आ चुके हैं करनी माता टेम्पल। करनी माता का साल भर में 2 बार फेयर लगता है। सो एक लगता है मार्च एंड अप्रैल में, दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर के बीच में। हम लोग जब गए थे उसे एक दिन पहले ही ये फेयर ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन और लाइटिंग थी। मंदिर के बाहर पास में ही पार्किंग है, उधर से मंदिर वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो गाड़ी लगा के हम लोग पैदल मंदिर के द्वार पे गए। देखो कितना सुंदर एंट्रेंस है मंदिर का। इतना भव्य होने के साथ साथ रोशनाई के कारण ये बहुत जगमगा रहा है। महाराजा गंगा सिंह ने ये मंदिर को बनवाया है। करनी माता टेम्पल को टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा चूहे हैं। इस मंदिर में चूहे आराम से घूमते रहते हैं। चलते वक्त अगर आपके पैरों पर से चूहा गुजरता है तो उसे शुभ माना जाता है, और आप चल रहे हो आपके पैर के नीचे अगर चूहा आ जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं, बट वो काफ़ी रेयर है। अगर वो किसी को दिखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर माता जी की कृपा बनी हुई है, उनकी सब मनोकामना पूरी होने के बहुत चांसेस है। मंदिर जाते वक्त आप चूहों के लिए चढ़ावा लेना मत भूलिए। मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ पे वो मिलता है। ऐसी कहावत है कि करणी माता के 4 बेटे थे, उनमें से सबसे छोटे बेटे की तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई। माता जी ने यमराज से अपने बेटे को वापस मांगा, तब यमराज बोले अगर कोई यहाँ से वापस जाता है तो उसे यहाँ दोबारा प्रवेश नहीं मिलता। तब माता ने बोला मैं मेरे बेटे को वापस लेके जाऊंगी और उसे मेरे पास ही रखूंगी। तब से यहाँ पे वो चूहों के रूप में रह रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर यहाँ पे कोई चूहा मर जाता है वो इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेता है, और कोई इंसान मृत हो जाता है तो वहाँ चूहा बन के रहता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। करनी माता के फेयर के टाइम पे इतनी सुंदर रोशनाई होती है। मंदिर की कारागरी बहुत ही अच्छी है और रोशनाई में मंदिर का सौंदर्य दुगना हो रहा है।
जब नवरात्रि होती है उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और जब फेयर लगता है उस टाइम पे भी बहुत भीड़ होती है। बट हम लोग शाम के टाइम पे गए थे और फेयर ख़त्म हो चुका था, तो हमें उतनी भीड़ नहीं मिली। ये मंदिर की और एक अच्छी बात है, यहाँ पे आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी इनसाइड टेम्पल कर सकते हो, बट आपको कैमरा फी देनी होती है जो काफ़ी नॉमिनल है। ये देखो यहाँ पे चूहे दिख रहे हैं, चूहे पैर के ऊपर जाएंगे तो उन्हें शुभ कहा जाता है। हम में से कई लोग एखादा चूहा देख के भी डर जाते हैं, छोटे बच्चों अगर चूहे देखते हैं तो वो भाग जाते हैं, बट इस मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं तो आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे चूहे पूजनीय हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, उसमें से बचाया हुआ शेष पार्ट प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। कन्हे माता टेम्पल को विजिट करने के बाद हम लोगों को मन को शांति भी मिली और टेम्पल ऑफ रैट्स को विजिट करने का एक एक्सपीरियंस भी मिला। मेरे हिसाब से सबने एक बार तो टेम्पल ऑफ रैट्स को, करनी माता टेम्पल को विजिट करना मस्ट है। करनी माता का दर्शन लेके हम लोग बीकानेर में आ गए। बीकानेर में हम लोगों ने होटल भरत पैलेस में स्टे किया, डिनर करके हम लोग सो गए। तो कल हम लोगों को जाना है एक नए डेस्टिनेशन पे, उससे पहले हम लोगों को करना है बीकानेर एक्सप्लोर फॉर फूड। चलो फिर चलते हैं।